वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुजिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ज्वाइंट क्लासिफिकेशन। ज्वाइंट क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे और उनके एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर कि ज्वाइंट्स का जो इंट्रोडक्शन क्या है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन बनता है वेरी ही सब लोगों को याद है, बट इसको थोड़ा सा जब ट्विस्ट कर दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ज्वाइंट इन आर्थ्रोलॉजी, कि ज्वाइंट के अध्ययन को हम आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं, ये सब लोगों को पता है। बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। कोई भी ज्वाइंट है आपका, मैं बात करूं ज्वाइंट्स की, वो स्मॉल है या लार्जेस्ट है, कंपोजिशन क्या है, कहां पर सिचुएटेड है, किस तरीके का बना हुआ है, कितनी बोन इंक्लूड है, ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो किसके अंदर करते हैं, आर्थ्रोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ज्वाइंट्स के जब अध्ययन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, बड़ा है या छोटा है, इसकी कंपोजिशन कहाँ है, कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, फंक्शन के आधार पर, मूवमेंट्स के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं तो हमारा अध्ययन कहलाता है और अध्ययन को हम आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है ज्वाइंट। आखिर में ज्वाइंट होता क्या है? अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, ये हमारी एक बोन है, इसका नाम मैं रख दिया फीमर बोन। फीमर बोन, अब इससे मैंने जो कनेक्टिविटी जोड़ दी आपकी, और एक और कनेक्टिविटी मैंने जोड़ दी, मैंने इसका नाम रख दिया टिबिया और एक का नाम रख दिया मैंने फिबुला। आपको पता है टिबिया बोन भी होती है और फिबुला बोन भी होती है। इसके ऊपर मैंने एक गोल बोन लगा दी, इसका नाम है पटेला, पटेला बोन, जिसको हम बोलते हैं गोल बोन। तो आप सब लोगों को पता है कि ये फोर बोन मिलकर एक जंक्शन तैयार कर रही है, एक ज्वाइंट तैयार कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं ज्वाइंट। चाहे वो दो बोन की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो कई बोन की कनेक्टिविटी हो, वो ज्वाइंट्स कहलाएगा। अब इसके अंदर ये पूछा जाता है कि ये ज्वाइंट कौन सा है, तो नी मतलब होता है घुटना, सब लोगों को पता है, कॉमन है। बट नी को हम पर्टिकुलर एनाटॉमी में बात करें कि नी को हमने पर्टिकुलर नाम दे रखा है, वो है आपका हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हिंज ज्वाइंट जो एग्जांपल है साइंटिफिक भाषा में उसको किस कैटेगरी में रख रखा है या किस नाम से जानते हैं, इस तरीके की जो क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वन डे एग्जाम में बनते हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन समझना होगा। यही ज्वाइंट, ये ज्वाइंट मसल के वजह से ये मूवमेंट करते हैं। मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल की कनेक्टिविटी जो टच होते हैं बोन के साथ में होती है, वो मूवमेंट करवाती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि मूवमेंट्स जो है किस में होता है, मसल में होता है या बोन में होता है, मसल करवाती है बोन से मूवमेंट, तो इस चीज को आप समझेंगे। उसके बाद है अ डिवाइस परमिट अ मूवमेंट। जब कोई मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट करने के लिए जो ज्वाइंट होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो ज्वाइंट इजीली तरीके से, आपने देखा होगा जब आपके ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर स्टिफनेस आ जाए, तो कितना भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, आप जो है फोर्स लगाने का प्रयास करते हैं बट मूवमेंट नहीं हो पाता है। जैसे मैं बात करूं, आपका फ्रैक्चर हो गया, आपका जो नी है वो फ्रैक्चर हो चुका है, तो घुटने में आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बट आप फोर्स तो पूरा लगा रहे हैं अपनी मांसपेशियों से, मस्कुलर कंट्रैक्शन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट उस नी जॉइंट के अंदर उसमें स्टिफनेस आ चुकी है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है बट जो ज्वाइंट है वो मूवमेंट नहीं होने दे रहा है। इसीलिए बोलते हैं इनको प्रॉपर तरीके चलाने के लिए ये फ्रीली होने चाहिए। कुछ हमारी बॉडी में फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, कुछ ऐसे हैं फिक्स हैं, हमें उनसे मूवमेंट्स कराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ स्लैडली हैं जिनमें कम जरूरत पड़ती है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं।
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का वर्गीकरण की मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर जो है जॉइंट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है स्ट्रक्चर फर्स्ट, और दूसरा हमारा जो है वह फंक्शन। जब फंक्शन की हम बात करते हैं इसको मूवमेंट बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है जॉइंट्स को। तो यहां पर मैं पर्टिकुलर डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर जॉइंट की कैटेगरी क्या है। तो सबसे पहला जो जॉइंट है वो है सेनेट्रोसी जॉइंट। अब सेनेट्रोसी जॉइंट को हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, मतलब ये मूवमेंट नहीं करता। ये इमूवेबल जॉइंट जो है इसका साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम जो याद करते हैं हम सेनेट्रोसिस। अब जब मूवमेंट ही नहीं कर रहा तो इसका कुछ एग्जांपल होगा, एग्जांपल है स्कल। अब खोपड़ी तो कॉमन है, खोपड़ी में कहीं ना कहीं कोई जगह होगी, कोई पर्टिकुलर नाम होगा, वो भी हम आगे विद इमेज आपको दिखाएंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब हम बात करेंगे एम्पियाथ्रोसिस जॉइंट, स्लाइडली मूवेबल, ये थोड़ा सा स्लाइडली मूवेबल जॉइंट करता है, और इसका भी साइंटिफिक भाषा में नाम है एम्पियाथ्रोसिस, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसका एग्जांपल है टिबिया और फिबुला। ये जो है इनकी कनेक्टिविटी होती है, जब ये मूवमेंट करते हैं दोनों आपस में तो स्लाइडली मूवेबल जॉइंट के तौर पर काउंट किए जाते हैं। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है आपका डायथ्रोसिस जॉइंट। डायथ्रोसिस जॉइंट की मैं बात करूं, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाता है आपके एग्जाम में। डायथ्रोसिस को हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट के नाम से जानते हैं और साइनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। साइनोवियल को हम डायथ्रोसिस के नाम से जानते हैं। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जॉइंट देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा तो वो है साइनोवियल जॉइंट हमारी बॉडी में। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सबसे बड़ा साइनोवियल जॉइंट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा साइनोवियल जॉइंट है वो है नी, नी मतलब हिंज जॉइंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। अब इनको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से, एक बार हम के एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। साइनोथ्रोसिस को हम इम्यूवल बोलते हैं, एम्पियाथ्रोसिस को स्लाइड इम्यूवल बोलते हैं, डायथ्रोसिस को हम प्रीलिम्यूवल बोलते हैं। ये जो है आपके फंक्शन के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर है, इन्हीं को हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, साइनोथ्रोसिस, एम्पियाथ्रोसिस, डायथ्रोसिस। वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। हमने तो सिर्फ पढ़ा है कि मूवेबल, इम्यूवल और स्लाइड इम्यूवेबल, बिल्कुल राइट। ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ साइनोथ्रोसिस, एम्पियाथ्रोसिस, डायथ्रोसिस, ये साइंटिफिक भाषा में इसको हम बोलते हैं या इसको मूवमेंट्स के आधार पर बोलते हैं, किसी भी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो एग्जाम्पल थे। तो साइनोथ्रोसिस का जो एग्जाम्पल था वो मैंने आपको स्कल बताया था। आपको पता है आपकी खोपड़ी में मूवमेंट ही नहीं होता है, तो स्कल जो है वो इमूवेबल जॉइंट का पार्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप ऐसा देख रहा है कि जमीन फट चुकी है, इस तरीके से आपने देखा हो भूकंप आता है, तो ये जो है आपके सूचर बोले जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं साइनोथ्रोसिस जॉइंट, इन्हीं को बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। सूचर जो एग्जाम्पल होता है वो साइनोथ्रोसिस जॉइंट का जो है एग्जाम्पल है। और साइनोथ्रोसिस की जब हम बात करें तो ये जो है एक अंदर किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, जब हम इसको स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर हम बात करेंगे तो फाइबरस जॉइंट होता है, उसकी कैटेगरी में आता है। मैंने उस पर अभी डिस्कस नहीं किया है। एम्पियाथ्रोसिस की जब मैं बात करता हूँ तो आपको ये ब्लू कलर की थोड़ी सी लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर जो इलियम इंसिपिविक जो जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पेल्विक। ये पेल्विक बोन है आपकी पूरी, इलियम इंसियम और पिबिस, ये जो बोन तीन बोन से मिलकर बनता है पेल्विक।
तो ये जो कनेक्टिविटी दिख रही है, जो आपका कूला है, प्लेट जो दिख रही है आपको, पीवीएस प्लेट, इसको हम बोलते हैं एम्पैथ्रोसिस जॉइंट। और इसका एग्जाम्पल, जो एम्पैथ्रोसिस का जॉइंट का एग्जाम्पल, वो आपकी टिबिया और फिबुला, ये भी एग्जाम्पल है एम्पैथ्रोसिस का। डायथ्रोसिस जॉइंट की बात करूं, ये आपका पेल्विक, और पेल्विक जॉइंट में आपका जो हमारी जो फीमर जो बोन है, फीमर जो बोन है, उसकी कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं पेल्विक ग्लिडल में जाके घुस गई है, वो आपका एग्जाम्पल है किसका, वो है आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मैंने आज डिस्कस किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये बात एक ही है, मूवमेंट्स बोलो फंक्शन बोलो, मैंने आज की क्लास में ये डिस्कस किया है। कल मैं आपको बताने वाला हूँ जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।